अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद बाबा और आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे वी लॉग तड़का, यानी कि मेरा चैनल। तो हम लोग जा रहे हैं राशिद बंगाली, जो कि सी फूड सेलर है, बहुत मशहूर, सुना है। तो वी प्लान टू गो देयर एंड टू हैव डिनर विद यू, आई मीन आपको भी साथ लेके चलना ज़रूरी है। तो एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा होगा, क्या क्या होगा वहाँ पे, यू विल बी वॉचिंग एट माई चैनल ओनली ऑन वी लॉग तड़का। चले और हमारी गाड़ी आ गई है, ये नहीं। इस ट्रक ने हमें दबा दिया है और मेरे साथ जो हमारे ड्राइवर हैं वो हैं पॉल वॉकर। आप भी मिले लजवी सी, हाय। पाकिस्तान के सकाफती ट्राले और राशिद सी फूड्स पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे रश कुछ इस तरह है और यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं, आप भी देखें। This is Rashid Singh. ये है इनका फैमिली हॉल। तो यहाँ के चूरन कुछ ऐसे हैं, यहाँ तस्वीर अच्छी आ रही है। यहाँ के चूरन कुछ ऐसी हैं कि हम ऊपर गए थे टेबल के लिए, टेबल अभी हमें नहीं मिली। उन्होंने कहा पहले नीचे से जाके ऑर्डर करके आए, तो हम वापस नीचे आए ऑर्डर करने। तो अब ऑर्डर कर रहे हैं आपके सामने, ये देखें। यहाँ से फ्रेशली परचेज करें, यहाँ पे कटिंग करवाएं और घर लेके जानी है घर लेके जाएं, और वहाँ पे तो डाइनिंग का सिस्टम है। बहरहाल मैं डाइनिंग करने वाला हूँ, ये देखें। मुबारक हो भाई, सौदा फाइनल हो गया, हमने 2 किलो के झींगे ले लिए हैं, आई मीन 2 किलो झींगे ले लिए हैं। तो वो अब आप साफ होते हुए देखें, ये अब हम जमा करवाएंगे राशिद सी फूड सेलर को, वो हमें इसकी झींगा कढ़ाई बना के देगा, कढ़ाई या ग्रिल जो भी। परचेज 4 किलो दंदिया, आदिल साहब है ना? बिल्कुल, 4 किलो दंदिया है और 4 किलो कुन है और हमारा जंबो प्राउन है। जंबो प्राउन है जिसमें से हाफ कढ़ाई होगी, हाफ हमारे उसमें से ग्रिल होगा और बाकी फ्राई और ग्रिल दोनों चीज़ें आइटम आ रही हैं। अच्छा, अब हम जा रहे हैं फैमिली हॉल के जानेब। काशिप भाई ने अपने घर के लिए भी ले लिए हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ सस्ते, कि हमने काफ़ी सारा आइटम लिया है कुछ सस्ते में मिल जाए। तो अब हम वेट करेंगे ऊपर के कितनी टाइम में आता है। तो आप जब तक देखें, राशिद भाई का मैंने इंटरव्यू लिया है जो यहाँ के ऑनर हैं, वहाँ पे तस्वीर भी मैंने दिखाई है,
तो आप देखें राशिद भाई से मेरी जो बात हुई। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अपने कुलीग्स के साथ यहाँ मौजूद हूँ, राशिद सी फूड सेलर, और ये हैं वो जिनका नाम बहुत मशहूर है। और बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊँगा। और आप कुछ बोलते भी हैं, बता दें कि आप बोलते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बस ठीक, बोलते भी हैं ये। अल्लाह हाफिज़। तो इनके फैमिली हॉल पे हम आ चुके हैं, और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यहाँ आने के बाद नीचे हमारे हमने फ़िश और प्रॉन्स वगैरह ख़रीद के दे दिए हैं। ये टोकन है, टोकन हम यहाँ पे वेटिंग पे फ़िलहाल अभी बैठे हुए हैं। जब हमें टेबल मिल जाएगी उसके बाद हम ये टोकन देंगे, और वो हमें हमारा ऑर्डर हमें सर्व करेंगे। जब तक हम वेटिंग पे बैठे हुए हैं तो कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं वेटिंग पे। और इसी वजह से कि वेटिंग यहाँ पे कुछ ज़्यादा होती है, तो हम चार आ गए थे कि हम जाके टेबल वगैरह रिज़र्व करें, ऑर्डर वगैरह कर दें, और उसके बाद वो मेहमान खुसूसी जो कि हमारे हसीब साहब हैं और बाकी खालिद भाई वगैरह हैं, वो आएंगे, वो हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल वेटिंग पर ही हैं, और खुशी होगी जब आगे बोलेगा सर आपकी वेट टेबल तैयार है। वो खुशी काबिल दीद होती है, उसके एक्सप्रेशन भी आपके टेबल मिल गई है। और ये है हमारी टेबल, ये हमारी टेबल, और बड़ी खुशी हो रही है, खुशी हो रही है ना, टेबल मिल गई। तो आपने सारे मराइल देखे स्टार्ट से, किस तरीके से मेहनत मुशक्कत हम तीन लोगों ने की, और उसको उड़ाने के लिए, उसको खाने के लिए जो लोग आए हैं वो है कुछ ये। ये सारी मेहनत हमारी उड़ाने के लिए आ रहे हैं ये आवाम। अब सुकून से बैठ के खाएंगे, बाकी सारे मराइल हम तय कर चुके हैं। तो अब जो नया नेक्स्ट जो इसका एपिसोड होगा वो ये होगा कि आपको टेबल सजी हुई नज़र आएगी विद सी फूड। और हम लोग जब तक वेट कर रहे हैं यहाँ पे खाने, आप लोगों से शेयर करूं कि किसी भी हम डिनर पार्टी में जाते हैं, किसी होटलिंग पे जाते हैं, तो एक इशू सबके साथ होगा होता होगा कि जब सलाद रायता पहले आ जाता है तो ये होता है। खाना हमारा आ चुका है और हम लोग खाना खाते हैं, तो आप देखें ज़रा। टेबल का सत्यानाश हमने कर दिया, अंधी धुन मचा के हमने तबाही मचा दी इस टेबल की। तो अभी देखें ज़रा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना भूल गया कि जो हमने ये राशिद बंगाली और राशिद सी फूड को हमने विज़िट किया है, इस सी फूड का जो है वो क्या रिव्यूज़ हैं। काशिप भाई थोड़ा सा खाने से ध्यान हटा के अगर इधर ध्यान दे आप। 10 out of 6 6 out of 10 मतलब 10 में से 6 नंबर दे रहे हैं यार। सिंपल उर्दू में आ जाओ। आदिल साहब 10 में से 6 नंबर वो बराबर में मुस्तफ़ा भाई हैं, उनको तो टेस्ट का क्या पता, उनको तो उबली हुई चीज़ भी दे दो तो कहते हैं माइंड ब्लोइंग। तो अब है हमारे पास एग्जीक्यूटिव शेफ़, इसके रिव्यूज़ ना लिए तो मतलब मैं अब इनके रिव्यूज़ हम लेते हैं। एग्जीक्यूटिव शेफ़ अस्सलाम वालेकुम। 10 में से 10 नंबर हैं भाई, 10 में से 10 नंबर हैं, तो ये झूठ बोल रहे हैं दोनों आदमी। हर किसी के अपना टेस्ट है ना। और जिन्होंने हमें पार्टी दी थी वो भी आप ज़रूर चेक करें,
हसीब साहब ने हमें पार्टी दी, तो हसीब साहब आपके बारे में, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो माहिर लोग थे उन्होंने क्या बता दिया है? नहीं, किसी ने 6 बोला, किसी ने 10, आप 5 पे आ रहे हैं। मैं सी फूड खाता नहीं ज्यादा शौक से। ओके, आई नॉट से एनीथिंग ऑन दैट। और ये है वो शख्स जिन्होंने मछलियों का बलात्कार किया, ये आप क्या कहते हैं, कितने नंबर? 6। ओके, रीजन के थोड़ा सा स्पाइसी वगैरह था, ग्रिल वाला अच्छा था और दूसरा बाकी। ओके, ओवरऑल आप 6 दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीलॉग, और विजिटेड राशिद बंगाली सी फूड सेलर, और आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर हसीब, जिनकी बदौलत, जिनके मतलब वसीले से हमने ये आज राशिद बंगाली को हमने विजिट किया, क्योंकि इट वॉज अ ट्रीट पार्टी फ्रॉम हिम। ये था मेरा आज का वीलॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। वापस।